पाकिस्तान से एक अजीबोगरीब खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान गुपचुप तरीके से पीओके को अपने कब्जे में लेने की कोशिश में लगा है। एक बार फिर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों पर उतर आया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को लेकर पाकिस्तानी हुक्मरानों की बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान गुलाम कश्मीर का अस्तित्व मिटाने की कोशिश में जुटा है। इमरान खान ने पीओके को पाकिस्तान में मिलाने की प्रक्रिया गुपचुप तरीके से शुरू कर दी है। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के नसीर अजीज खान ने ये दावा किया है। पहले कदम में आजाद जम्मू एंड कश्मीर मैनेजमेंट ग्रुप का नाम बदलकर जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कर दिया गया है। इसका नोटिफिकेशन 11 दिसंबर को जारी हुआ। इसके संकेत कुछ दिन पहले ही पीओके के प्रधानमंत्री फारूक हैदर खान ने भी दिए थे, जब उन्होंने कहा था कि वह पीओके के आखिरी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक इमरान खान ने पीओके का दर्जा बदलने का कानूनी आधार तैयार करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश भी दिया है। पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के विलय के लिए संविधान संशोधन की गुपचुप तैयारी चल रही है। इसके बाद पूरे गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र का भी पाक में विलय का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इमरान खान की बौखलाहट अब नजर आने लगी है। भारत के हिस्से वाले जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के जवाब में पाकिस्तान की ओर से ये कदम उठाया जा रहा है। मोदी सरकार कई बार पीओके वापस लेने की चेतावनी दे चुकी है। हालांकि इमरान के विशेष सहयोगी फिरदौस आशिक अवान ने बताया कि आजाद जम्मू एंड कश्मीर मैनेजमेंट ग्रुप का नाम बदलने का पीओके के दर्जे से लेना देना नहीं है, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार इमरान पीओके को पांचवा प्रांत घोषित कर सकते हैं। पीओके के लोग इमरान के इस कदम पर आपत्ति जता रहे हैं। पाकिस्तान पीओके गिलगित बाल्टिस्तान तीनों जगहों पर दमनकारी कदम उठा रहा है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान सरकार पीओके गिलगित बाल्टिस्तान में मानवाधिकारों का हनन कर सकती है। स्वायत्ता मांगने वाले 100 से ज्यादा लोग देशद्रोह के आरोप में हिरासत में है। पाकिस्तान है कि वहाँ असहमति दबाने में लगा है। इमरान सरकार के इस कदम से पीओके के लोग भी नाखुश है। पीओके की आवाम लगातार इस पे आपत्ति जता रही है। पाकिस्तान हमेशा से ही पीओके पर अत्याचार करता आया है। पाकिस्तान जानता है कि पीओके पर उसका कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए भारत को नीचा दिखाने के लिए वो गुपचुप तरीके से पीओके को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाक अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।